और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, कनाडा में मंदिर पर हुए हमले का इंदौर में विरोध भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ने जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। और देखिए, न सिर्फ कनाडा में बल्कि अलग अलग जगहों पर भी इसका विरोध हो रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त कनाडा में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और में विरोध भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ने जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। और देखिए, न सिर्फ कनाडा में बल्कि अलग अलग जगहों पर भी इसका विरोध हो रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त कनाडा में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। दौर में विरोध भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ने जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। और देखिए, न सिर्फ कनाडा में बल्कि अलग अलग जगहों पर भी इसका विरोध हो रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त कनाडा में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और में विरोध भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ने जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। और देखिए, न सिर्फ कनाडा में बल्कि अलग अलग जगहों पर भी इसका विरोध हो रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त कनाडा में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।